कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लगातार लॉकडाउन का अनुपालन कर रहे पुलिस कर्मियों के लिए गोरखपुर जर्नलिस्ट एसोसिएशन और प्रेस क्लब गोरखपुर के संयुक्त तत्वावधान में गुरुवार को एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता को करीब 1000 मास्क दिया गया। एसोसिएशन के अध्यक्ष रत्नाकर सिंह के नेतृत्व में पहुंचे प्रतिनिधि मंडल ने कपड़े से बनाए गए मास्क को एसएसपी को सौंपा और कहा कि कोरोना वायरस की जंग में पुलिस कर्मियों का विशेष महत्व है, इसलिए उनकी सुरक्षा के लिए मास्क दिया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोरखपुर जर्नलिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष रत्नाकर सिंह ने कहा, कि सबसे बड़ा मकसद तो यह है कि इस समय पूरा विश्व कोरोना वायरस से ग्रसित है और चूंकि पूरे विश्व में चाहे वो मोस्ट डेवलप्ड कंट्री हो चाहे डेवलपिंग कंट्री हो, कहीं भी अभी इसकी कोई वैक्सीन नहीं है। इसके बचने का मात्र एक उपाय सुरक्षा के उपाय हैं। हम कितने अपने को सुरक्षित रख सकते हैं और इसके लिए सबसे ज़्यादा सुरक्षा की चीज़ है कि हमारे नाक, हमारा मुंह, हमारा कान यह सुरक्षित रहेगा, क्योंकि यहीं से वायरस के प्रवेश की, आंखों से प्रवेश की संभावना होती है। और उसमें भी मास्क सबसे ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि नाक हमारी हमेशा हर चीज़ों को सूंघती है और इसके वायरस के कणों को अपने भीतर ले सकती है। हमने देखा कि पूरे जो भी लोग इस लड़ाई में लगे हुए हैं उसमें मुख्यतः दो वर्ग हैं, एक चिकित्सा वर्ग है और एक सुरक्षा का वर्ग है। चिकित्सा वर्ग के पास तब भी उनके सुरक्षा उपकरण उनको मुहैया कराए जाते हैं, लेकिन जो सुरक्षा से जुड़े हुए लोग हैं जैसे पुलिस वाले हैं, उनको दिन रात ड्यूटी देनी पड़ रही है और सबसे पहले किसी भी संदिग्ध के पास उन्हीं को जाना पड़ रहा है। ऐसे में हमें ये लगा कि सबसे पहली सुरक्षा उनकी होनी चाहिए जो हमको सुरक्षा दे रहे हैं। तो हमने अपने गोरखपुर जर्नलिस्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों, जिसमें मुख्यतः हमारे महामंत्री मनोज श्रीवास्तव गणेश जी, हमारे कोषाध्यक्ष वागीश चंद श्रीवास्तव जी हैं, हमारे प्रेस क्लब के पदाधिकारी यूसुफ वहाब और वहाब खान हैं, लोहरका जी हैं, इन लोगों जो प्रमुख लोग हैं उनसे बातचीत किया गया और यह निर्णय लिया गया कि 1000 मास्क बनवाकर एसएसपी को दिया जाए ताकि वो अपने थानेदारों को दे सकें, जो अपने सिपाहियों को, होमगार्ड्स को इसको बांट सकें। आज वही देने हम लोग आए थे और ये देखकर जा रहे हैं। इसके बाद हम लोग एक काम और भी करने जा रहे हैं कि इस समय देश के ब्लड बैंकों में खून की बहुत कमी आ गई है। हम लोग की बात चल रही है गोरखनाथ ब्लड बैंक से, मिनिमम 25 यूनिट ब्लड हम लोग उनको देने के लिए सूची दे चुके हैं। जिस दिन भी उनको आवश्यकता होगी वो हम लोग को कॉल करेंगे, हम लोग गोरखपुर जर्नलिस्ट एसोसिएशन के द्वारा 25 यूनिट मिनिमम ब्लड देने उनको जाएंगे। एसोसिएशन द्वारा इंसेफ्लाइटिस की लड़ाई लड़ी गई थी काफी, तो क्या कभी कोरोना जो हमारी इसके लिए लड़ाई लड़नी, देखिए गोरखपुर जर्नलिस्ट एसोसिएशन न केवल पत्रकारिता वरन समाज के उस अंतिम व्यक्ति से अपने को जुड़ा हुआ पाता है। आपने इस बात को देखा होगा कि कोई भी व्यक्ति आज परेशान होता है तो प्रशासन के साथ वो सबसे पहले प्रेस के पास भी जाना चाहता है, तो प्रेस से एक लोगों की उम्मीद होती है और ये एसोसिएशन तो प्रेस के नुमाइंदों का एक संगठन है। हम लोग ने न केवल इंसेफ्लाइटिस के लिए जंग लड़ा, बल्कि योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जब भी इसके लिए आवाज़ उठाई गई 10-10 किलोमीटर पदयात्रा भी हम लोग ने किया। हम लोग ने जब अन्ना हजारे का भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन आ रहा था तब भी हम लोग ने सड़कों पर उतर कर मुखरित स्वर में आंदोलन किया था। हम लोग इस 2 वर्ष पूर्व जब भयंकर बाढ़ आई थी तब भी उस रिमोट एरिया में हम लोग गए थे बाढ़ से बांटने के लिए, जहां डोगी नाव में के पलटने के बाद जीवन जीवित बचने की कोई संभावना नहीं थी। लेकिन मुझे इस बात का बड़ा गर्व है कि गोरखपुर जर्नलिस्ट एसोसिएशन से जुड़े हुए जो भी हमारे सदस्य हैं या जो इससे नहीं भी जुड़े हुए पत्रकार बंधु हैं, वो सारे लोग हम लोग का बहुत उत्साहवर्धन करते हैं, जिसके आधार पर हम लोग ये अपनी छोटी छोटी सेवाएँ समाज को दे पाते हैं और आगे भी यह क्रम लगातार जारी रहेगा।